मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पुलिस पर पथराव किए जाने की खबर सामने आ रही है। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस एक अपहरित युवक को छुड़ाने के लिए गई थी, तभी पथराव की इस घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल ये मामला छतरपुर के टिगरा गांव का है, जहां गांव की ही बुधिया बाई कुशवाहा ने थाने में शिकायत की थी कि सिंहपुर निवासी दीपू अपने 4 अन्य साथियों के साथ उसके पति किशोरी कुशवाहा का अपहरण करके ले गया है और उसे बंधक बना लिया है। बुधिया बाई की शिकायत पर पुलिस किशोरी कुशवाहा को छुड़ाने के लिए गई थी। जब पुलिस आरोपियों के चंगुल से छुड़ाकर किशोरी को ले जाने लगी तो आरोपी दीपक राजपूत, मुरली राजपूत, 1.5 दर्जन से ज्यादा महिला पुरुषों ने पुलिस को रोकने का प्रयास किया और उन पर पथराव किया। पथराव के दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं इस मामले में दीपू और उसके 10 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी गढ़ी मलेरा जब गांव में पहुंचे तो जो मुख्य आरोपी था और उसके साथ वाले थे, उन्होंने इसको पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसमें हमारे 2 लोगों को चोटें भी आई हैं और मुख्य आरोपी जो था उसको भी गिरफ्तार करके थाने लाया गया है और जो बाकी लोग रहे उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। इसमें जो पुलिस वाले पे हमला हुआ था उस पर भी धारा 147-48 और 353 भारतीय दंड विधान के तहत थाना गढ़ी मलेरा में प्रकरण दर्ज कर लिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।